मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 4 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब इस दुनिया का होपलेस केस है, सभी मर जाएंगे, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ, माँ में कम याद करो। अब इस दुनिया का होपलेस केस है, सब मर जाएंगे, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ, माँ में कम याद करो। क्वेश्चन है, सर्विस की उछल ना आने का कारण क्या है? सर्विस की उमंग क्यों नहीं आती है, उसका कारण क्या है? अगर लक्षण ठीक नहीं, बाप को याद नहीं करते, सर्विस की उछल आ नहीं सकती। अगर लक्षण ठीक नहीं, बाबा को याद नहीं करते, सर्विस की उछल आ नहीं सकती। कोई ना कोई उल्टे कर्म होते रहते हैं, इसलिए सर्विस नहीं कर सकते। बाप का जो पहला डायरेक्शन है, आप मुए मर गई दुनिया, इसे अमल में नहीं लाते। बुद्धि देह के संबंधों में फंसी हुई है, तो सर्विस कर नहीं सकते। अटेंशन देंगे, अगर बुद्धि देह के संबंधों में फंसी हुई है तो सर्विस नहीं कर सकते। गीता, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। अब ये भक्ति मार्ग का गीत सुना। शिवाय नमः कहते हैं, शिव का नाम घड़ी घड़ी लेते हैं, रोज शिव के मंदिर में जाते हैं, और जो त्यौहार हैं वो वर्ष वर्ष मनाते हैं। पुरुषोत्तम मास भी होता, पुरुषोत्तम वर्ष भी होता, शिवाय नमः तो रोज कहते रहते, शिव के पुजारी बहुत हैं। रच्यता है शिव, ऊंचते ऊंच भगवान, कहते वे पतित पावन, परम पिता परमात्मा शिव है, रोज पूजा भी करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, संगम युग है, पुरुषोत्तम बनने का युग। ये संगम युग है, पुरुषोत्तम बनने का युग। जैसे जिस्मानी पढ़ाई से कोई ना कोई ऊंच पद पाते हैं ना, इन लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया, विश्व के मालिक कैसे बने, ये किसी को पता नहीं। शिवाय नमः भी कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, रोज महिमा गाते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि वो कब आकर मात पिता बनकर वर्षा देते हैं। महिमा गाते हैं, लेकिन वो कब आकर मात पिता बनकर वर्षा देते हैं, तुम्हें मालूम है कि दुनिया के मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, भक्ति में कितना भटकते रहते हैं, अमरनाथ पर कितने झुंड के झुंड जाते हैं, कितना किसी को कहो कि भटकते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं, तो बिगड़ पड़ेंगे। तुम थोड़े बच्चे हो जिन्हें अंदर में बहुत खुशी है। लिखते हैं बाबा, जब से आपको पहचाना, बस अब तो हमारी खुशी का पारावार नहीं। जिन्होंने पहचाना वो क्या कहते हैं, बस अब हमारी खुशी का पारावार नहीं रहा। कुछ भी तकलीफ आदि होती है, फिर भी खुशी में रहना चाहिए, हम बाबा के बन गए, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। तुम बच्चे जानते हो, हमने शिव बाबा को पाया है, तो खुशी का पारावार रहना चाहिए ना। जानते हो, हमने शिव बाबा को पाया, खुशी का पारावार रहना चाहिए। माया घड़ी घड़ी भुला देती है, भले दिखाते हैं, हमें निश्चय है बाबा को हम जानते हैं, फिर भी चलते चलते ठंडे पड़ जाते हैं, तो समझ जाते कि पूरा निश्चय बुद्धि नहीं, पूरा नशा नहीं चढ़ा। ऐसा बेहद का बाप जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, निश्चय हो जाए तो बहुत खुशी का नशा रहना चाहिए। जैसे किसके बच्चे को राजा गोद में लेना चाहता है, बच्चे को मालूम पड़ जाता है हमारे लिए ऐसी बातचीत हो रही है कि राजा चाहता है इस बच्चे को हम वारिस बनाएं, तो बच्चों को बहुत खुशी होगी ना, उस बच्चे को बहुत खुशी होगी, मैं राजा का बच्चा बनता हूँ। वह गरीब का बच्चा साहूकार की गोद लेते हैं तो बहुत खुशी होती है ना, जान जाता है कि मुझे फलाना अडॉप्ट करते हैं, तो गरीबी का गम भूल जाता है। वो तो है फिर भी 1 जन्म की बात, यहाँ बच्चों को खुशी रहती 21 जन्म का वर्षा लेने की बात। बेहद बाप को याद करना है, फिर दूसरे को रास्ता बताना है।
बेहद बाप को याद करना है, फिर दूसरों को रास्ता बताना है। शिव बाबा पतित पावन आया हुआ है, समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। ऐसे और कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। बाबा ही कहते मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। बाप ही समझा नहीं देते हैं, मैं 5 वर्ष पहले आया था, तुम्हें यही अक्षर कहा था, माँ में कम याद करो, मुझ पतित पावन बाप को याद करने से तुम पतित से पावन बनेंगे, और कोई भी उपाय नहीं। पतित से पावन बनने का यही उपाय है, पतित पावन है ही एक बाप। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, गीता का भगवान एक पतित पावन पुनर्जन्म रहित है। पहली पहली बात ये लिखाओ, बड़े बड़े आदमियों की लिखत देखेंगे तो समझेंगे ठीक है, कोई साधारण आदमी का देखेंगे तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारी ने इनको जादू लगा दिया तब लिखा है। बड़े आदमी के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, तुम कुछ भी कहते हो तो समझते हैं छोटा मुख बड़ी बातें बनाते हैं, भगवान आया हुआ है। ऐसे तुम बच्चों को सिर्फ कहना नहीं कि भगवान आया हुआ है, इसे तो कोई समझेंगे नहीं और ही हंसी करेंगे। ये समझाना है कि दो पिता हैं, दो बाप हैं। पहले से फट से सीधा कहना नहीं कि भगवान आया हुआ है, क्योंकि आजकल दुनिया में भगवान कहलाने वाले बहुत हो गए, सब अपने को भगवान का अवतार समझते हैं। तो युक्ति से दो बाप का राज समझाना चाहिए, एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का बाप। बाप का नाम है शिव, वो सब आत्माओं का बाप है, तो जरूर बच्चों को वर्षा देते होंगे। शिव जयंती भी मनाते हैं, वही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो जरूर नरक का विनाश होना है, उसके भी निशाने हैं। ये महाभारत लड़ाई है, बाकी सिर्फ भगवान आया है ये कहने से कोई समझेंगे थोड़े ही। ढिंडोरा पीटते रहते हैं, ऐसी ऐसी उल्टी सर्विस करने से और ही सर्विस में ढीलापन आ जाता है। एक तरफ कहते भगवान आया हुआ है, भगवान पढ़ाते हैं, फिर जाके शादी करते हैं। लोग कहेंगे तुम्हें फिर क्या हुआ, कोई कुमार कुमारी हैं और दूसरों को कहते हैं भगवान आया हुआ है, फिर पुरानी दुनिया में चले जाते, शादी कर लेते, तो दुनिया वाले कहेंगे ना कि तुम्हें फिर क्या हुआ, तुम तो कहते थे कि भगवान पढ़ाते हैं। कहते हमने जो कुछ सुना था सो कह दिया। अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं अपने बच्चों से, जैसे हिंदू धर्म वालों ने आप ही अपने को चमाट मारी है। वास्तव में देवी देवता धर्म के कह देते हैं, हिंदू धर्म के हैं, अपने को चमाट मारी ना। अब तुम जानते हो हम ही पूज्य थे, तो श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ धर्म था, आसुरी मत पर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। हम ही अपने धर्म की गलानी शुरू करते, आसुरी माया की मत से हैं, इसलिए बाबा ने खुद कहा वो है आसुरी संप्रदाय, ये है दैवी संप्रदाय जिन्हें मैं राजयोग सिखाता हूँ। अब है कलयुग, जो ये नॉलेज आकर सुनते हैं वो असुर से बदल देवता बनते हैं, जो ये नॉलेज सुनते हैं वो असुर से बदल कर देवता बनते हैं। ये नॉलेज है देवता बनने के लिए, 5 विकारों पर जीत पाने से देवता बनते हैं। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं लगी, ये भी भूल कर दी। फिर दिखाते हैं जिसकी तरफ साक्षात भगवान है उनकी विजय है, उसमें नाम श्री कृष्ण जी का दे दिया। वास्तव में है तुम्हारी माया से युद्ध, बाबा कितनी सहज बातें समझाते, परंतु तमोप्रधान ऐसे हैं जो बिल्कुल समझते नहीं, बाबा को याद नहीं कर सकते। समझते भी हैं, हमारी ऐसी तमोप्रधान बुद्धि है जो याद ही नहीं ठहरती, इसलिए उल्टा काम करता रहता हूँ। याद नहीं करते तो उल्टे काम होते रहते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी याद बिल्कुल नहीं करते, लक्षण सुधरते ही नहीं, इसलिए सर्विस की उछल नहीं आती। बाबा कहते देह सही देह के जो भी संबंध हैं उनको मारो अथवा भूलो, देह सही देह के जो भी संबंध हैं उनको मारो अथवा भूलो। अब मारो अक्षर वास्तव में है नहीं, कहते आप मुए मर गई दुनिया, ये बाबा बैठ समझाते, बुद्धि से भूल जाना है। जबकि तुम हमारे बने हो तो इन सबको भूलो, जबकि आप हमारे बने हो तो इन सबको भूलो, एक बाप को याद करो। जैसे कोई बीमारी का होपलेस केस है, ऐसा होपलेस केस हो जाता है तो फिर उससे ममत्व मिटाना होता, उनको कहते राम राम कहो। बाबा भी कहते इस दुनिया का केस बहुत होपलेस है, ये खत्म होनी है, सब मर जाएंगे, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ। वो तो राम राम की धुन लगाते हैं, यहाँ तो एक एक की बात नहीं,
सारी दुनिया विनाश होनी है। इसलिए तुम्हें एक ही मंत्र देता हूँ, माँ में कम याद करो। मंत्र नोट कर लेंगे, माँ में कम याद करो। कितनी समझाने देते रहते भिन्न भिन्न प्रकार से। अभी पुरुषोत्तम मास आया तो पुरुषोत्तम यज्ञ पे भी समझाने देते रहते। समझाने की बड़ी होशियारी चाहिए, धारणा अच्छी चाहिए, कोई पापक्रम नहीं करना चाहिए। बिगर छुट्टी कोई चीज उठाना खाना ये गुप्त पाप है। जिसका भी डिपार्टमेंट है उससे पूछे बिना, चार्ज वाले से पूछे बिना कोई भी चीज उठा के खा लेना ये गुप्त पाप है। कायदे बड़े कड़े हैं, पाप करते हैं फिर भी बताते नहीं, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ तुम बच्चों को पुण्यात्मा बनना है। कोई हमको पुण्यात्मा से स्नेह है, पाप आत्मा से विरोध है। बाबा कहते हैं मुझे पुण्य आत्मा से बहुत प्यार है, पाप आत्मा से विरोध है। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलेगा, इसलिए दान पुण्य आदि अच्छे कर्म करते हैं ना, ये ड्रामा है। फिर भी कहते हैं भगवान अच्छे कर्मों का फल अच्छा देता है। बाबा कहते हैं मैं सिर्फ ये धंधा थोड़ा ही बैठ के करता हूँ, ये तो सारा ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार बाबा को जरूर आना है। बाबा कहते हैं मुझे आके सबको रास्ता बताना है, बाकी इसमें कृपा आदि की बात नहीं। कोई कोई लिखते हैं बाबा आपकी कृपा होगी तो हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। कोई कोई कहते हैं बाबा आपकी कृपा होगी तो हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। बाबा कहते हैं हम कभी कृपा आदि नहीं करते, ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुम्हें अपने पर आप पे ही कृपा करनी है। बाबा को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। भक्ति की बातें ज्ञान मार्ग में होती नहीं, ज्ञान मार्ग में है पढ़ाई। टीचर कोई पर कृपा थोड़ी करेगा, हरे को पढ़ना है। बाबा श्रीमत देते उस पर चलना चाहिए, परंतु अपनी मत पर चलने के कारण कुछ भी सर्विस नहीं करते हैं। बच्चों को बिल्कुल पुण्य आत्मा बनना है, जरा भी कोई पाप का काम ना हो। कई बच्चे अपना पाप बताएंगे कभी नहीं। बाबा कहते वो ऊंच पद कभी नहीं पाएंगे। गाया हुआ है चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। बच्चे जानते बहुत ऊंच मर्तबा है, गिरते हैं तो कोई काम के नहीं रहते। अशुद्ध अहंकार है पहला नंबर, फिर काम क्रोध लोभ मोह कम नहीं। लोभ मोह भी सत्यनाश कर देता। बच्चे आदि में मोह होगा तो याद आते रहेंगे। आत्मा तो कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, और कोई याद ना पड़े ऐसा पुरुषार्थ करना है। ये सब खत्म हो जाना है, विनाश सामने खड़ा है। वर्षा तो ले नहीं सकेंगे, इसमें क्या मोह रखना। ऐसे से अपने साथ बातें करनी है, सारी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। ये सब खत्म होना है। तूफान ऐसे लगेंगे जो एकदम खत्म हो जाएगा। आग कहाँ लगती है, और हवा जोर से आती है तो झट एकदम खलास कर देती है। आधे घंटे में 100-150 झोपड़ियों को खत्म कर देती। जानते इस भंबोर को आग लगनी है, नहीं तो इतने सब मनुष्य कैसे मरेंगे। जो अच्छे बच्चे हैं, लक्षण भी अच्छे हैं, तो सर्विस भी अच्छी करते हैं। जो अच्छे बच्चे हैं जिनके लक्षण अच्छे हैं वो सर्विस भी अच्छी करते हैं। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, पूरा नशा अंत में रहेगा जब कर्मातीत अवस्था हो, फिर भी पुरुषार्थ करते रहते हैं। बनारस में शिव के मंदिर में बहुत जाते हैं, वो है ऊंचते ऊंच भगवान। वहाँ शिव की भक्ति बहुत है। बाबा कहते रहते वहाँ उनको जाके समझाओ, ये शिव भगवान इन लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा देते हैं, संगम पर ये वर्षा उनसे मिला हुआ है। ये समझाने से ब्रह्मा सरस्वती भी उनकी भी समझानी आती है, चित्रों पर बड़ा क्लियर समझा सकते हैं। इनको राज्य कैसे मिला, इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में भक्ति मार्ग था नहीं। कहेंगे भक्ति तो अनादि है ही, अब तुम्हें कितनी नॉलेज मिली, तो नशा चढ़ना चाहिए। हमें भगवान पढ़ा रहे हैं 21 जन्मों का राजभाग देने के लिए। तुम स्टूडेंट हो ना, जिनको निश्चय होगा, ये ब्रह्मा कुमारियाँ जिस द्वारा सुनकर हमें निश्चय बिठाती हैं, वह खुद क्या होगा। ऐसे बाप से तो पहले मिले, जब तक पूरा निश्चय नहीं होगा तब तक बढ़ेगा नहीं, निश्चय वाला ही झट भागेगा। ऐसे बाबा के पास हम जाके मिले, छोड़ेंगे नहीं। बस बाबा हम तो आपके बन गए, हम जाएंगे नहीं। गीत भी है ना, चाहे प्यार करो चाहे टुकराओ, ये दीवाना तेरा दर नहीं छोड़ेगा। फिर भी बिठा तो नहीं सकते, सर्विस पे भेजना पड़ता। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, ऐसे लिख कर भी देते, फिर बाहर जाने से माए की चक्री में आ जाते।
माया इतनी प्रबल है, माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। छोटे से दीवे को माया के तूफान कितने आते, इन गीतों का भी सार बाबा के समझाते। तुम्हारा पुरुषोत्तम युग चल रहा है, भक्तों का पुरुषोत्तम मास चला गया। बाबा कहते संगम युग पे मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने, समझाने कितनी अच्छी है। अच्छा, दिन प्रतिदिन सर्विस की वृद्धि के लिए नई नई युक्तियाँ निकलती रहेंगी, अच्छे अच्छे चित्र बनते जाएंगे। कहते हैं देर पड़े काम दुरुस्त होते हैं, तैयार माल मिलता है जिससे फट से कोई समझ जाए। सीढ़ी बहुत अच्छी है, इस समय कोई ये नहीं कह सकता कि हम पावन हैं। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है, पावन दुनिया के मालिक ये श्री लक्ष्मी नारायण हैं। पावन दुनिया सतयुग की दुनिया के मालिक श्री लक्ष्मी नारायण हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलोदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहले पॉइंट है, जरा भी कोई पाप अथवा सूक्ष्म पाप ना हो इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी कोई चीज़ छिपा कर नहीं लेनी, लोभ मोह से भी सावधान रहना है। अशुद्ध अहंकार जो सत्यानाश करने वाला है उसे त्याग देना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए ये पुरुषार्थ करना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए ये पुरुषार्थ करना है। वरदान है सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन, ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन, ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। इसलिए चेक करो मनसा वाचा कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है। एक बाप के सिवाय कोई याद ना आए, अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे एक आ जाएंगे। मैं निर्बंधन हूँ, इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करनी है। मैं निर्बंधन हूँ, इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करनी है। लोगों ने देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं।